अध्यापक को कहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण करता है, राष्ट्र निर्माता होता है। किसी के जीवन में अंधकार हो तो वो अध्यापक ही है जो उसको प्रकाश की ओर लेकर जाता है, भविष्य का निर्माण करता है, और ऐसा भविष्य होता है तो देश का भी निर्माण करता है। लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स हमारे साथ हैं जो आज भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं, हालाँकि ये सबको ये सिखाते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर आपको अपना विरोध दर्ज करना है तो कीजिए, लेकिन ऐसा क्या हो गया? आज तमाम टीचर्स जो है जम्मू के यहाँ पर, कश्मीर के यहाँ पर, वो जो है इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और काफ़ी समय से जो है इनको जो है मेहनताना नहीं मिला है, इनके साथ भेदभाव की राजनीति कहीं ना कहीं होती आई है। सर, यहाँ पर तमाम जो टीचर्स हैं, मैं आपको दिखाऊं, आज एक ऐसा मंजर आया है कि स्कूल्स पे होना चाहिए था, लेकिन आज ये मीडिया के पास आए हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। सर, क्या नाम है आपको और क्या हुआ था? मैं हरी सिंह, जनरल सेक्रेटरी JK यूनाइटेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन। हम लगातार पिछले अरसा दराज से अब टीचिंग कम्युनिटी की कुछ जेन्युइन मुद्दे हैं वो सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार उन मुद्दों को की अनदेखी कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सैलरी का है। सैलरी ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये हमारा राइट है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा एक बड़ा तबका आज हेड टीचर से के नाम से स्कूलों के अंदर तैनात है, जिनको दिसंबर 2017, जनवरी फरवरी 2018 उनके DA एरियर और 7 पे कमीशन एरियर सरकार ने आज तक नहीं दिए हैं। रेगुलराइज रेबरे तालीम जो टीचर ग्रेड 2 और 3 में अब चले गए हैं लोग, उन जो उनमें से 2014 और 2018 के बीच रेगुलराइज हुए थे, उनका 20 और 25 महीने के बीच का बेसिस जो है वो आज तक पेंडिंग है। इसके साथ ही ये टीचिंग कम्युनिटी के साथ एक बड़ा मजाक है कि अगर जिस टीचर को सैलरी नहीं है, उसकी घर की दशा, उसके बच्चों की दशा जो है वो आप समझ सकते हैं कि क्या होगी। इसके साथ ही जहां कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, सरकार जो है वो हमेशा पिक एंड चूज तरीके से, एडमिनिस्ट्रेशन जो है पिक एंड चूज तरीका अडाप्ट करती है, और जो उनके चहेते हैं उनको प्राइम जगहों के ऊपर, उनको शहर से आगे पीछे नहीं जाने देती है, बल्कि जो आम टीचर जो डेडिकेशन के साथ दूर दराज इलाके में काम कर रहा है उनकी ट्रांसफ़र जो है वो 6-7 साल से आज तक पेंडिंग है। हमने कई बार कंसर्न अथॉरिटीज से ये बातें उठाई हैं, लेकिन उन्होंने इन बातों को नज़रअंदाज किया है, और हम मांग करते हैं कि जहाँ शहर के अंदर सरप्लस स्टाफ है, हम मेडिकल ग्राउंड और कंपेंशनेट ग्राउंड के ऊपर जो लोग तैनात हैं हम उनकी बात नहीं करते हैं, लेकिन उनके अलावा भी जहां बड़ी संख्या में लेक्चरर्स, मास्टर्स, टीचर जो हैं वो दफ्तरों के अंदर तैनात हैं, हेडक्वार्टरों के अंदर तैनात है, जिनको स्कूलों के अंदर रैशनलाइज करके भेजा जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसके साथ ही रेगुलाइजेशन की जहां पे कोई पॉलिसी नहीं है, रेगुलाइजेशन जहां हमारा एक बड़ा तबका पिछले कई सालों से ऑन पे एंड ग्रेड में काम कर रहा है, जिनमें लेक्चरर हैं, हेडमास्टर हैं, JDOs हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और इस काम के लिए सरकार ने एक HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेल सेक्टर के अंदर बनाया हुआ है, लेकिन उनके काम हमें आज तक नज़र नहीं आ रहे हैं। उनका काम रेगुलेशन करना और प्रमोशन करना है। बदकिस्मती से जहाँ पे 50% JDO की पोस्टें खाली हैं और बड़ी मात्रा में हेडमास्टर और प्रिंसिपल्स की पोस्टें खाली हैं, उनको भरने की हम मांग करते हैं। एक सवाल करूंगी, आपने कहा कि काफ़ी समय से मेहनताना नहीं मिला है, सैलरीज नहीं मिले, हम घर का खर्चा कैसे चलाएं, कितना टाइम हो गया? ये लगभग 2 साल की पेंडेंसी है, 2 साल लगातार ये जो पेंडेंसी है, ये 3-3 महीने और दूसरे एरियर जो हैं कई लोगों की 20-20, 22-22 महीने की पेंडिंग है, सैलरी 2-2 साल से पेंडिंग है। तो किसी से मिलने की कोशिश नहीं की किसी अधिकारी से, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी ही आपको आश्वासन देते, कुछ तो आपने कोशिश की होगी? बहुत बार हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किए, मेमोरेंडम दे के हमने डायरेक्टरेट को, ऊपर हायर अथॉरिटी को, इवन हम पिछले दिनों हमारे फारूक खान साहब एडवाइज़र थे उनको भी हम मिले थे, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि ये मसले हल हो जाएंगे, लेकिन आज तक वो मसले जो हैं वो जूं के त्यों ही पड़े हुए हैं, उनमें मतलब के हमें अभी भी कोई मतलब के उनका हल होना जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। जब तक सरकार जो है वो उसके लिए बजट जो है वो अलाट नहीं करती है, ग्रांट्स अलाट नहीं करती है, क्योंकि अब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है और हमारी परेशानियाँ जो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के ऊपर हमें टैक्स देना होता है, अपने इनकम को कैलकुलेट करना होता है, वो हमारे लिए परेशानी है। इसके साथ साथ ही हमारे ये जितने भी लोग हैं, मास्टर ग्रेड हैं, जहाँ टीचर ग्रेड के लोग जो हैं रेबरे तालीम के अंदर जो रेगुलराइज हुए हैं, इनके टाइम बाउंड प्रमोशन जो है वो कई सालों से पेंडिंग है, तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इनको शीघ्र हल किया जाए, नहीं तो 12 तारीख को प्रेस क्लब के अंदर हम एक बड़ा मुजाहरा करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार। साफ तौर पर गुस्सा फूटा है तमाम टीचर्स का, और इस तरह से फूटा है कि अब जो है यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि
लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो एडवाइज़र हैं फारूक खान, उनसे भी मुलाकात करने की बात की जा रही है, उनसे बात करने की बात की जा रही है कि किस तरह से काफ़ी समय से ये लोग ग्रस्त माने जा रहे हैं और सैलरीज नहीं है, मेहनताना नहीं है और घर का खर्चा चलाना एक बहुत बड़ी सोच है जो हर एक व्यक्ति के दिल में होती है, वही इनके जहन में है कि आखिरकार घर कैसे चलेगा और स्कूल में बच्चे कैसे जाएंगे, खाना कैसे खाएंगे। तो यही एक कोशिश हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से आज तमाम टीचर्स जिनको स्कूल्स में होना चाहिए था, आज वो जो है अपनी गुहार लेकर प्रशासन के सामने आए और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उनका मसला जो है, जो काफ़ी समय से अधर में अटका हुआ था, वो पूरा हो। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।